जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण, सदियों में जन 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 गाता है जिनके गान। अभयदान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान, मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। डबल इंजन के नाम पर उत्तर प्रदेश को टकराहट के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में प्रभुत्व की लड़ाई दो लोगों को आपस में लड़ा रही है, लेकिन उसकी मार जनता को सता रही है। मॉडल ऑफ कंडक्ट जब चुनाव हुआ, लागू हुआ, उस समय मैंने देखा कि कुछ लोगों पर मेहरबान रही सरकार और कमीशन भी। कई मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न उस संस्था पे भी लगा है। और अगर उस संस्था पे प्रश्न लगा है तो लगाने वाली सरकार की वजह से लगा है। इसलिए अगर निष्पक्ष होगी वो संस्था तो न केवल हमारा लोकतंत्र स्वस्थ होगा, बल्कि हमारे लोकतंत्र और मजबूत दुनिया में दिखाई देगा। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय, ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। ना ईवीएम का मुद्दा मरा है, ना जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी, हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष महोदय वो प्रदेश है जिसने सरकार बीजेपी की बनवाई, एक बार नहीं दो बार बनवाई, और उसी उत्तर प्रदेश के साथ कितना बड़ा भेदभाव, उत्तर प्रदेश के साथ बड़ा भेदभाव। मुझे याद है वो दिन जब प्रधानमंत्री जी एयरफोर्स के सबसे भारी वाहन हवाई जहाज से उतरे थे सड़क पर। वो अलग बात है कि उस प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके साथ नहीं बैठ पाए थे, लेकिन वो एक्सप्रेस वे जो बना था और आज भी जो उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के बजट से बन रहे हैं, लेकिन दिल्ली की तरफ से कोई एक्सप्रेस वे अभी नहीं दिया गया है।